प्रिया, आज है 21 जून। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 7500 के पार। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 213 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 7503 हो गई है। पाए गए मामले में प्रभावित जिलों की बात करें तो अरवल में 10, औरंगाबाद में 22, बांका में 18, भागलपुर में 4, दरभंगा में 11, गया में 10, गोपालगंज में 1, जमुई में 1, जहानाबाद में 6, कटिहार में 20, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 5, मधुबनी में 16, मुंगेर में 9, मुजफ्फरपुर में 5, नालंदा में 1, पश्चिम चंपारण में 5, पटना में 21, पूर्वी चंपारण में 4, पूर्णिया में 4, समस्तीपुर में 15, सारण में 1, सिवान में 7, सुपौल में 15 और फिर वैशाली में 1 मामला पाया गया है। कोविड 19 से बिहार में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा पहुंचा 70% पर। बिहार में जहां कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे, वहीं दूसरी तरफ इससे ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में ठीक होने वालों का आंकड़ा 70% दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार बिहार में अब तक कुल मिलाकर 7300 से ज्यादा मामले पाए गए हैं, जिसमें से 5058 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं जान गंवाने वालों की बात करें तो यह आंकड़ा 0.69% का दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर परिवार संग सामाजिक दूरी का ध्यान रखकर करें योग। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। भारत में इसके लिए पहले से ही योग की प्रैक्टिस भी करवाई जा रही थी। जगह जगह पर ऑनलाइन योग के सेक्शंस भी करवाए जा रहे थे। योगा से मनुष्य का मन, शरीर और भावना संतुलित रहता है। वहीं योग दिवस 21 जून को मनाने के पीछे के कारण की बात करें तो यह साल का सबसे लंबा दिन होता है, इसीलिए 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार भारत में साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद राजपथ पर 35,000 लोगों की उपस्थिति में इस दिवस को मनाया गया था। वहीं बिहार में भी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कुछ दिनों पहले योग दिवस के अवसर पर परिवार संग सामाजिक दूरी बनाते हुए योगा करने की अपील की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बिहार में उद्योग की कमी होने की कही बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार ग्राम पंचायत से गरीब कल्याण रोजगार मुहिम की शुरुआत की है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बिहार में उद्योग की कमी होने की बात कही है। वहीं इसको बढ़ावा देने के लिए GST और आयकर में छूट पर दिए जाने, साथ ही साथ यहां पर MSME की राशि बढ़ाए जाने पर भी जोर देने की बात कही है, ताकि बिहार में ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा मिल सके। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक झमाझम बारिश होने की जताई संभावना। मॉनसून ने बिहार में दस्तक दे दी है, जिसके बाद मौसम विभाग ने एक बार फिर से अपना पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके तहत मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले अगले 3-4 दिनों में बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है, जिसमें राजधानी पटना समेत कई इलाकों में जबरदस्त बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं आपको बता दें, मौसम विभाग ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि इस बार बिहार में मॉनसून ने समय पर दस्तक दी है और इस बार बिहार में औसत बारिश की अच्छी संभावना बनी हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने समय पर काम पूरा करने का जारी किया आदेश। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। पार्टियां भी अपनी तरफ से तैयारी में जुटी हुई है, वहीं निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। इसी क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने जल्द से जल्द समय पर टास्क पूरा करने का आदेश जारी किया है। साथ ही मतदाता सूची को भी दुरुस्त करने की बात कही है। नेपाल ने मोतिहारी की जमीन पर तटबंध के काम को रुकवाया। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच अब नेपाल भी अपने असली रंग दिखाने पर आतुर हो गया है। हाल ही में नेपाल ने मोतिहारी जिले में ढाका ब्लॉक में लाल बकरा नदी पर तटबंध के निर्माण के काम को रुकवा दिया है। नेपाल ने यह दावा किया है कि निर्माण का कुछ हिस्सा नेपाल के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में है। खबरों की माने तो नेपाल के अनुसार यह कथित विवादित स्थान मोतिहारी जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जिसके बाद भारत और नेपाल के बीच में तनाव की स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न हो गई है। पति का साथ छूटने के बाद जिले भर के लिए प्रेरणा बनी अंजलि प्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड 19 के इस माहौल में सभी लोगों से आत्मनिर्भर बनने की अपील की थी। इसी का प्रमाण दिखाया है बिहार के बेगूसराय जिले में, जहां पर जवाहर कॉलोनी की रहने वाली अंजलि प्रिया पति के छोड़ने के बावजूद आत्मनिर्भर बनने का प्रमाण पेश कर रही हैं। ससुराल से निकाले जाने के बाद अंजलि ने अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मधुबनी पेंटिंग की कला सीखी और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। अंजलि की कोविड 19 के इस माहौल में बनाई गई एक मधुबनी पेंटिंग, जिसमें घरों में सुरक्षित रहने की अपील की गई है, उसने काफी सारी सुर्खियां
मूर्तियां बटोरी थी, जिसके बाद अंजलि की कला को देखकर जिला प्रशासन ने भी सरकारी भवनों पर पेंटिंग बनाने का आदेश जारी किया है, जिसकी जानकारी खुद अंजलि ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान दी है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मिलने पहुंचे खेसारी लाल यादव। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव बीते दिन सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मिलने पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने सुशांत के बारे में कई सारी अच्छी बातें कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सुशांत प्रतिभा के बहुत धनी थे। अपने बलबूते पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मिलकर उनकी हिम्मत बढ़ाई और अपना दुख भी जाहिर किया। खबरों की माने तो उनके पिता से मिलने के वक्त खेसारी लाल यादव काफी ज्यादा भावुक नजर आ रहे थे और कहा कि सुशांत एक बेहतरीन इंसान था। अभिनेता के रूप में उसने यूपी बिहार का नाम बहुत ज्यादा रोशन किया है। बिहार के खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की गरीब कल्याण योजना। वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन से गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 50,000 करोड़ रुपए की रोजगार गारंटी योजना दी गई है। वहीं आपको बता दें, इस योजना की शुरुआत खगड़िया के तेलीहर गाँव से की गई, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलीहर ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान अनिल सिंह से बातचीत की और बंद के दौरान गाँव लौटे लोगों के बारे में जानकारी भी ली। 116 जिले में इस योजना को लागू किया जाएगा, वहीं इससे 25,000 से ज्यादा श्रमिकों को फायदा मिलने वाला है। अब किसानों को ज्यादा पानी की नहीं होगी जरूरत। किसानों के उत्थान के लिए डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ने धान की एक नई प्रजाति को विकसित किया है, जिसका नाम राजेंद्र नीलम रखा गया है, जिस पर डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन के कारण हिंदुस्तान और उसके राज्यों पर पानी की भारी समस्या देखने को मिलती है। इसलिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में कम पानी वाले फसलों के लिए परेशानी उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में धान की एक नई प्रजाति का विकसित किया गया है, जो कम पानी में भी अच्छी उपज देगी, जिससे किसानों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। बिहार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वापस लौटे 4800 प्रवासियों को बताया कोविड-19 प्रभावित। बिहार में कोविड-19 के मामले प्रवासियों के आने के बाद से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसके बाद अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि लगभग 30 लाख बिहारी के निवास जो राज्य से बाहर गए हुए थे बंद और अन्य कारणों की वजह से वापस लौटे हैं, वो 3 मई से अब तक कुल मिलाकर 21 लाख है। 21 लाख स्पेशल ट्रेन से बिहार वापस लौट चुके हैं, जिनमें से लगभग 4800 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से ज्यादातर प्रवासी थे, तो वहीं लगभग 15% महिलाएं कोविड-19 से पॉजिटिव पाई गई थी। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में दिखने लगी है फूट। सीट बंटवारे को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमा गई है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं महागठबंधन दल में सीट को लेकर रस्साकसी का माहौल जारी है। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब कांग्रेस ने भी राजद पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो कांग्रेस के नेताओं ने महागठबंधन के सामने यह साफ कर दिया है कि वह इस बार कम सीटों पर नहीं मानने वाली है, जिसके तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार पार्टी की इच्छा अधिक सीटों पर उतरने की है। ऐसे में हम चाहेंगे कि इस बार हमें अधिक सीट मिले। तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने अंदाज में कसा तंज। तेज प्रताप यादव हमेशा अपने अनोखे अंदाज के लिए मीडिया में बने रहते हैं, चाहे वो उनका लिबास हो या उनके ट्वीट करने का तरीका हो। एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने ही अलग अंदाज में ट्वीट किया है, जिसके बाद उनका ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है, जिसके तहत तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर पर लिखा कि अरे काहे जिद करते हो भैया, इट्स 5.6 नॉट 56। दरअसल यह पूरा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच का सीना वाले बयान के बाद आया है, जिस पर प्रताप यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का नहीं बल्कि 5.6 इंच का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ग्रामीण रोजगार योजना के लॉन्च में बिहार रेजिमेंट की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन खगड़िया जिले में ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की है, वहीं इस दौरान उन्होंने बिहार रेजिमेंट के जवानों की खूब सराहना भी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार रेजिमेंट की वीरता पर सभी को गर्व है। प्रत्येक बिहारी को इस बात पर बहुत गर्व है क्योंकि लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हुए वाक्य में बिहार के 5 जवानों की जान चली गई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी जवानों के परिवारों की तरफ अपनी संवेदना भी व्यक्त की है, साथ ही इनकी हिम्मत की भी सराहना की है। चीन सीमा पर जान गंवाने वाले कुंदन की पत्नी को दिया गया 36 लाख रुपए का चेक। भारत चीन के बीच बढ़े विवाद में जान गंवाने वाले सहरसा जिले के कुंदन कुमार की पत्नी को सरकार की तरफ से 36 लाख रुपए का चेक सौंप दिया गया है, जो कि डीएम और एसपी ने खुद
सैनिक के घर पर जाकर कुंदन की पत्नी को सौंपा है। उन्होंने इस मौके पर परिजनों को संतावना बढ़ाई है और हिम्मत रखने की बात भी कही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्य सरकार के निर्देश पर डीएम कौशल कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मिले 25 लाख और सैनिक कल्याण निदेशालय बिहार सरकार से मिले 11 लाख रुपए यानी कि कुल मिलाकर 36 लाख की अनुग्रह राशि का चेक उन्हें सौंप दिया है। सीएसबीसी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड आज होगा जारी। सीएसबीसी बिहार पुलिस कांस्टेबल के शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आज एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। हालांकि इस परीक्षा का आयोजन सीएसबीसी ने 15 जुलाई को करवाने का ऐलान जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें, आज दोपहर में सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर यह एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जो कि अब सभी उम्मीदवार csbc.bis.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं सीएसबीसी ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई समस्या आएगी, वो 13 जुलाई या 14 जुलाई की सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सीएसबीसी ऑफिस जाकर एडमिट कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके द्वारा भारत चीन के बीच हुए वाक्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराने वाले ट्वीट पर तंज कसते हुए अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ऐसे समय में भारतीय सेना और भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। अगर नहीं है तो जैसे डोकलाम के समय चीन के एम्बेसी चले गए थे, अभी भी जा सकते हैं। उन्हें कभी कभी हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों पर भी भरोसा करना चाहिए। राजद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खगड़िया जिले से गरीब कल्याण रोजगार की शुरुआत की थी, जिसके बाद बिहार में राजनीति भी जोर शोर से शुरू हो गई है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना पर टिप्पणी की है, जिसके तहत राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि भाजपा मजदूरों को इतना ज्यादा परेशान कर रही है। भाजपा ने इस योजना की शुरुआत खगड़िया जिले से करके अपने किए पर पश्चाताप किया है। यह सरकार सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन वाली सरकार है, इनकी योजनाओं का कहीं किसी को पता नहीं चलता। तेजस्वी यादव ने बिहार में एक महीने में कोविड-19 संक्रमितों के 6 गुना इजाफा होने का किया दावा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि बीते एक महीने में सरकार की अनदेखी की वजह से कोविड-19 की संख्या 6 गुना ज्यादा बढ़ गई है। बिहार सरकार को वर्तमान समय में कोविड-19 की चिंता करनी चाहिए, मगर सरकार चुनावी तैयारियों में ज्यादा व्यस्त नजर आ रही है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में आंकड़ों को जारी करते हुए यह भी साफ कहा है कि 14 मई को राज्य में कोविड-19 की संख्या मात्र 970 थी, 14 जून को 6355 हो गई है। आम लोगों को भी लगा था कि सरकार की प्राथमिकता कोविड-19 होगी, मगर सरकार फिजूल की बयानबाजी में लगी हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू से पूछताछ करने के लिए बिहार पुलिस पहुंची अमृतसर। अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू एक विवादित बयान को लेकर पूछताछ करने के लिए बिहार पुलिस बीते दिन अमृतसर पहुंची थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान सिद्धू ने बरसोई और बरारी में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ बिहार में मामला दर्ज कर दिया गया था, जिसके बाद बीते दिन कटिहार पुलिस का एक दल अमृतसर पहुंचा था, जिसके तहत विकास कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी सभा को संबोधित करते वक्त नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा दिए गए बयान के पीछे की वजह जानने के लिए अमृतसर टीम भेज दी गई। इंस्टाग्राम ने सुशांत सिंह राजपूत को दिया सम्मान। बिहार से निकले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को इंस्टाग्राम ने अब अपनी तरफ से सम्मानित किया है, जिसके तहत इंस्टाग्राम ने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट के बायो में अब रिमेम्बरिंग शब्द लिख दिया है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के इंस्टाग्राम पर उनकी आखिरी पोस्ट 3 जून की थी, जहां उन्होंने अपनी एक तस्वीर अपनी मां के साथ शेयर की थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इंस्टाग्राम मशहूर हस्तियों के जाने के बाद उनके अकाउंट को यादगार के रूप में तब्दील कर देता है और उस हस्ती के नाम के आगे रिमेम्बरिंग लिख देता है। इंस्टाग्राम अक्सर ऐसे अभिनेताओं के अकाउंट को सहेज कर रखता है। आज लगने वाला है इस साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण। आज इस साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जिसकी शुरुआत सुबह 9:15 से होगी, जो कि शाम 3:04 तक जारी रहेगा। खबरों के माने तो यह सूर्य ग्रहण 6 घंटे का रहने वाला है। वहीं 12:10 के आसपास सूरज पूरी तरीके से ढक जाएगा और अंगूठी के आकार का दिखने लगेगा, जिस समय अंधेरा छा जाएगा। हालांकि यह भी साफ कर दिया गया है कि भारत में अलग अलग राज्यों में ग्रहण लगने का समय अलग अलग होगा। वकार यूनिस ने सचिन तेंदुलकर को लेकर कही अहम बात। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनिस ने सचिन तेंदुलकर को लेकर कई बातें कही हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर ने 24 साल के अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन एक चीज जो उन्हें सबसे अलग करती है वो है उनकी विनम्रता। एक मीडिया हाउस से लाइव चैट के दौरान उन्होंने कहा कि तेंदुलकर सिर्फ एक महान खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक महान इंसान भी है। मेरे कहने का मतलब है कि आप उनके टेस्ट और वनडे रिकॉर्ड एक ओर देखें और एक इंसान के तौर पर भी वो बहुत शानदार है, और यही कारण है कि उन्हें सभी उम्र के लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं।
आईफोन SE 2020 होगी मेड इन इंडिया, जिसकी घोषणा एप्पल ने अपने आधिकारिक वेबसाइट से की है, जिसके तहत एप्पल ने बताया है कि आईफोन का सबसे सस्ता आईफोन SE 2020 भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिससे भारत की कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होगा और इसे 20% आयात शुल्क नहीं देना होगा। खबरों की माने तो एप्पल ताइवान के मैन्युफैक्चरर्स ब्रिजस्टोन से इसके लिए बातचीत जारी है। इसके लिए बात कर कहा था कि भारत में आईफोन के इस मॉडल की प्रोडक्शन के लिए पार्ट्स उपलब्ध कराया जा सके। हालांकि यह पहला मौका नहीं होगा जब भारत में आईफोन का प्रोडक्शन हो रहा है। साल 2017 में भी आपने भारत में आईफोन के कुछ मॉडल्स को मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है यादव विजय, धनु चौहान, कमलेश मेहता, अमरदीप कुमार, सुभाष कुमार, गुरुदयाल, रविशंकर कुमार, रुपेश कुमार, अमरेश कुमार, मिथुन कुमार, धनंजय कुमार, ममता कुमारी, कुमकुम कुमारी, प्रदीप कुमार, सुभाष गुप्ता, सिंह लालू हलचल। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई ग्रामीण रोजगार योजना प्रवासियों के लिए कितनी मददगार साबित होगी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।